Hello, dear students. Hope you may be fine. Today we are going to take some more examples, जो based हैं changing of system of units from one form into the other form. जैसे हमने पिछले videos में किए, दो तीन examples हमने किए हैं. So these are very important questions. Examination में ये आ सकते हैं. सो लेटेस्ट एक आज हम एक एग्जांपल ले लेंगे. यंग्स मॉडल्स ऑफ स्टील इज 19 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर मीटर एक्सप्रेस इट इन सीजीएसएस यूनिट्स. सो ये यंग्स मॉडल्स दिया है स्टील का 19 × 10⁻⁹ न्यूटन स्क्वायर मीटर. सो हमने इसको सीजीएस यूनिट में एक्सप्रेस करना है. सो बच्चों यहाँ पर हमने पहले सिस्टम में देखना है कि न्यूटन स्क्वायर मीटर इज़ यूनिट ऑफ यंगस मॉडल्स इन एम के सिस्टम. वो जो जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो यंगस मॉडल्स ऑफ स्टील दिया है, ये जो न्यूटन स्क्वायर मीटर जो है, इट इज़ अ यूनिट ऑफ यंगस मॉडल्स इन द एम के सिस्टम. एंड डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर इज़ द यूनिट ऑफ यंगस मॉडल्स इन सी जे सिस्टम. सो हम इसको कन्वर्ट करने के लिए सी जे सिस्टम में हमने इसको कन्वर्ट करना है. एम के सिस्टम फ्रॉम एम के सिस्टम इंटू सी जे सिस्टम हमने कन्वर्ट करना है. और ये एम के सिस्टम में हमने ये वैल्यू दिया हुआ है कितना है इसका, यंग्स मॉडल्स का स्टील का. सो वी यूज़ दिस फार्मूला कि हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं इंटू दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में. इसके लिए हमने ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो में आपको पिछली वीडियोज़ में आपको समझाया है कि कैसे एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में. ये फार्मूला लगाते हैं एन टू इज इक्वल टू एन वन एम वन मास वन और मास वन ऑफ फिजिक फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइड मास टू ऑफ सेकंड सिस्टम एन वन एम वन बाई एम टू रेज पावर ए एल वन बाई एल टू. ए रिप्रेजेंट लेंथ करता है दो सिस्टम्स का रेज पावर बी और ये टाइम टी वन बाई टी टू दो सिस्टम्स का रिप्रेजेंट करता है रेज पावर सी. इसको रिलेशन फर्स्ट रखते हैं हम. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यंग्स मॉडल्स का जो है उसका डायमेंशन फार्मूला देखेंगे क्या क्या है. जो हमने ऑलरेडी डायमेंशन फार्मूला हमने पढ़ा है, डायमेंशन फार्मूला मैंने आपको पिछली वीडियोस में बहुत सारे जो फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन फार्मूला मैंने आपको समझाया है पिछली वीडियोस में. सो यहाँ पर वी विल टेक डायमेंशन फार्मूला ऑफ यंगस मॉडल दैट इज एम वन एल रेज पावर माइनस वन टी टी रेज पावर माइनस टू. दिस इज यंग डायमेंशन फार्मूला फॉर यंगस मॉडल्स. वो एम वन एल एल रेज पावर माइनस वन टी रेज पावर माइनस टू. वो मास का वन है, लेंथ का माइनस वन है पावर, और टी का माइनस टू है. सो यहाँ पर ए के बदले हम वन लिखेंगे और बी के बदले हम माइनस वन लिखेंगे और सी के बदले हम माइनस टू लिखेंगे. ये बाद में हमें नीचे हमें फर्दर जरूरत पड़ेगा. तो हम लिखेंगे एम के सिस्टम और लिखेंगे सी जे सिस्टम एक सिस्टम में. एम के सिस्टम में हमें एन वन दिया है, वो यंगस मॉडल्स दिया है स्टील का 19 × 10⁻¹. जो एन वन से हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको कन्वर्ट करना है सी जे सिस्टम में, ये कितना होगा. तो एन टू हमें निकालना है. तो एम के सिस्टम में जो एम वन है, एम वन है मास, ये के जी में रिप्रेजेंट करते हैं. एल वन जो है वो मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ, और टाइम टी वन हम इसमें ये वो सेकंड में रिप्रेजेंट किया जाता है. इसी तरह यहाँ पर सी जे सिस्टम में मास का जो है मास एम, जो सेकंड सिस्टम है उसमें मास एम टू हम रखते हैं, वो ग्राम में है सी जे सिस्टम में. और लेंथ जो सी जे सिस्टम है वो सेंटीमीटर में है, जो हम एल टू रखते हैं. और टाइम जो है टी टू रखते हैं, और जो सी जे सिस्टम है वो सेकंड में होता है. सो ये जो सारे वैल्यूज़, ये जो वैल्यूज़ हैं, ये भी सारे जो वैल्यूज़ हैं, ये हम रिलेशन में पुट करेंगे फर्स्ट रिलेशन में. जो हमारे पास है एन टू इज इक्वल टू एन वन एम वन बाई एम टू रेज पावर वन ए एम एल वन बाई एल टू रेज पावर बी टी वन बाई टी टू रेज पावर सी. तो अब हमारे पास ये एन वन के बजाय हमारे पास है 19 × 10⁻¹, और एम वन के बजाय के जी है, और एम टू के बजाय ग्राम है. बनेगा के जी बाई ग्राम रेज पावर वन वन ए के ए, क्योंकि ए है वन, ए के बदले वन है, बी के बदले माइनस वन है, सी के बदले माइनस टू है. सो ए के बदले वन आएगा, बी के बदले माइनस वन आएगा, सी के बदले माइनस टू आएगा. तो यहाँ पर ये हो गया लेंथ एल वन बाई एल टू, हो गया मीटर बाई सेंटीमीटर. यहाँ पर मीटर है और ये सेंटीमीटर है एल वन बाई एल टू. इसी तरह टी वन बाई टी टू आएगा सेकंड बाई सेकंड रेज पर माइनस टू. सो इनको कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर, ये नेक्स्ट बनेगा, ये 1000 ग्राम बनेगा डिवाइड बाई ग्राम. इसको कन्वर्ट किया के जी को ग्राम्स में, बनेगा 1000 ग्राम्स डिवाइड बाई ग्राम. नीचे है, ऊपर आए वन, ए के बदले वन है,
मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे आएगा 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई सेंटीमीटर रेज पर -1, और सेकंड है 1, इस पर आएगा -2। तो यहाँ पर ये जो है ये बनेगा 19 × 10⁻¹⁰, ये 1000 ग्राम्स रहेगा, और यहाँ पर सेंटीमीटर ये 10⁻²² आएगा रेज पर -1, और ये फर्दर बनेगा ये 19 × 10⁻¹⁰, ये बनेगा 10³³, ये बनेगा 10⁻²। सो इनको पावर्स को हम एड सबट्रैक्ट करेंगे, 10 + 13 ये बनेगा 13, 19 × 10⁻³, ये 10⁻²² है, तो यहाँ पर ये रहेगा 11 गोल्ड। एन टू जो हमारा निकला वो बना 19 × 10⁻¹⁰ डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर। सो यहाँ पर जो हमें एम के सिस्टम में यंग्स मॉडल्स दिया था वो यंग्स मॉडल्स ऑफ स्टील जिसको N1 हमने रखा था 19 × 10⁻¹⁰, तो वो सीजे सिस्टम में कितना निकला, सीजे सिस्टम में जो जो इसका जो जो डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर इज यूनिट ऑफ यंग्स मॉडल्स इन द सीजे सिस्टम, डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये कितना निकला N2 19 × 10⁻¹⁰ डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ये रहा, ये हमने निकालना था, कन्वर्शन करना था वन सिस्टम यूनिट इनटू द अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। सो दीज आर द प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस, इनका सोल्यूशन आगे दिया हुआ है, यू विल टेक देम। सो लेट अस टेक नाउ सम मोर प्रॉब्लम्स, ये दीज आर बेस्ड ऑन करेक्टनेस, ये हम कैसे करेक्ट करते हैं। हम जो देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जब बराबर होते हैं तो उसको हम डायमेंशन एनालिसिस करते हैं। सो यूजिंग ये प्रॉब्लम बेस्ड है इसी पर, यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस, ये रिलेशन है, एक रिलेशन है, यहाँ पर दूसरा रिलेशन है, ये तीसरा रिलेशन है, इनका हमने डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ करके चेक करना है कि क्या इनका जो ये रिलेशन करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। ये हम यहाँ से ले लेंगे पहली रिलेशन, ये है यहाँ पर एस, ये पहले रिलेशन ले लेंगे एस, दिस इज एस एंथ इसको यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, ये रिलेशन हम ले लेंगे, वेयर जो एस एंथ जो है दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन एंथ सेकेंड, यूज इनिशियल वेलोसिटी एंड एन इज द टाइम, वो यूज इनिशियल वेलोसिटी, एंथ इज द डिस्टेंस कवर्ड इन एंथ सेकेंड एंड यू इज इनिशियल वेलोसिटी एंड एन इज द टाइम। इसी तरह सेकेंड रिलेशन है लैम्डा इज़ एच एच बाई एम एम नीटा, लैम्डा वेवलेंथ है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। इसी तरह तीसरी रिलेशन है इज एम सी स्क्वायर, ये है ये आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन है। सो लेट अस टेक द फर्स्ट रिलेशन, इसका देखेंगे हम डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ करके देखेंगे क्या ये इसका ये करेक्ट है या रिलेशन या नहीं है। सो बच्चों यहाँ पर देखो एस एंथ इज यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, इसको फर्स्ट रिलेशन रखेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड का देखेंगे एस एंथ, इसका डायमेंशन निकालेंगे, फिर राइट हैंड साइड का टर्म्स का डायमेंशन निकालेंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड बराबर होना चाहिए, अगर निकलेंगे तब ये करेक्ट है एज पर द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड का निकालेंगे एस एंथ हो गए डिस्टेंस, गो डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस कवर्ड इन एस एंथ है डिस्टेंस कवर्ड इन एंथ सेकेंड, सो डिस्टेंस बाई टाइम, ये बनेगा डिस्टेंस का एल है टाइम का टी है, तो इसका जो है एल टी रेज पर -1 बनेगा, और जब मास ये बनेगा एम जीरो एल वन टी -1, ये लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन बन गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम राइट साइड ले लेंगे, राइट हैंड साइड का क्या बनेगा, सो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड निकालेंगे ये टर्म का यू प्लस ए बाई टू टू एन -1, यहाँ पर वेलोसिटी यू फॉर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इसका रहेगा एल टी रेज पर -1 डायमेंशंस, और एक्सेलेरेशन का रहेगा एल टी रेज पर -2 एक्सेलेरेशन का, और जो एंथ सेकेंड एंड का रहेगा टाइम, क्योंकि टू ये जो टू और टू जो है दीज आर कॉन्स्टेंट टर्म्स, सो यहाँ पर हमें एक्सेलेरेशन का डायमेंशन हो गया एल टी रेज पर -2, और ये जो एन है टाइम है इसका टी रहेगा। सो ये फर्दर बनेगा नीचे नेक्स्ट सेट में बनेगा एल टी रेज पर -1 प्लस एल टी रेज पावर -2 प्लस ये +1 होगा, एक बेसिस आर सेम पावर सर एडिड, ये -2 + 1 आएगा यहाँ पर, ये बनेगा -1। सो फर्दर सेटअप में राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या बनेगा, ये बनेगा एल टी रेज पावर -1 प्लस एल टी रेज पावर -1। सो ये क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ पर आएगा
ये एल टी रेज पावर, ये बनेगा एल टी रेज पावर माइनस वन, ये बनेगा एम ज़ीरो एल वन टी रेज पावर माइनस वन। तो बच्चों यहाँ पर इसका जो ये डायमेंशंस आ गया, जो ये बन गया एम ज़ीरो एल वन टी रेज पावर माइनस वन, एम ज़ीरो एल वन टी रेज पावर माइनस वन ये बन गया इसका राइट हैंड साइड का। तो लेफ्ट हैंड साइड का ये राइट हैंड साइड का आ गया यहाँ पर, और लेफ्ट हैंड साइड क्या क्या आ गया, एम ज़ीरो एल वन टी रेज पावर माइनस वन। सो आप देखो फ्रॉम दिस रिलेशन वे फाइंड दैट डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ये डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट वो बराबर है एम ज़ीरो एल वन टी माइनस वन, वो बराबर है डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, सो वो भी बराबर है एम ज़ीरो एल वन टी रेज पावर माइनस वन। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द फार्मूला इज़ करेक्ट, वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज़ करके दिस फार्मूला इज़ करेक्ट, ये फार्मूला करेक्ट है। सो वी विल टेक जो हम वी विल कंटिन्यू द वीडियो, उसमें हम ले लेंगे ये वाली रिलेशन ले लेंगे, लैम्डा इज इक्वल एच बाई एम वी एंड ई इज इक्वल एम स्क्वायर, वो हम और क्वेश्चंस ले लेंगे सेकंड नेक्स्ट वीडियो में।